लाइव एक्शन मूवीज को अगर हम साइड पर रखते हैं तो डीसी की जो एनिमेटेड मूवीज हैं वो बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं मार्वल से। चाहे वो आज की कोई मूवी उठा के देख लें या पुरानी कोई एनिमेटेड सीरीज उठा के देख लें, डीसी को इसमें बड़ी महारत हासिल है एनिमेटेड काम करने में। लेकिन ये जो मूवी जिसका आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वंडर वुमन ब्लड लाइन्स, वो डीसी के उस काम के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो क्यों है वो आप इस वीडियो के एंड तक जान चुके होंगे। पहली चीज जो इस मूवी में सबसे ज्यादा बुरी थी वो थी स्टोरी टेलिंग, यानी कि स्टोरी टेलिंग बिल्कुल भी कोहरेंट नहीं थी। कुछ और चल रहा है, एकदम से कुछ और शुरू हो गया। और सबसे ज़्यादा बुरी बात इसमें यह थी स्टोरी में कि उन्होंने वंडर वुमन का ओरिजिन दोबारा बताया। हमने 2009 में भी देखा, फिर वंडर वुमन की 2016 की मूवी आ गई, फिर उसके बाद इसको बताने की क्या जरूरत थी। पता नहीं कितनी दफ़ा हम वंडर वुमन का ओरिजिन देख चुके हैं, तो अब ज़रूरत नहीं थी उसकी, लेकिन फिर भी दिखाया। चलो दिखा दिया, अच्छी बात है, लेकिन उसको दिखाओ तो किसी अच्छे अंदाज से। ओरिजिन चल रहा है, एकदम से बीच में कोई और स्टोरी चलना शुरू हो गई है। तो ओवरऑल बात करूँ ना तो इस मूवी की जो स्टोरी है ना वो बहुत ही ज़्यादा घटिया फील होती है। ऐसा एक मिनट के लिए भी आपको फील नहीं होगा कि आप मूवी में इन्वेस्टेड हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि क्या होगा आगे। और मोस्टली आपको जो ट्विस्ट है ना, एक छोटा सा ट्विस्ट डाला है इन्होंने, वो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा मूवीज देख चुके होंगे तो आपको आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि कौन इसमें क्या है। और अगर मैं करेक्टर्स की बात करूँ तो वंडर वुमन के अगर मैं करेक्टर को साइड पर रखूँ तो जो बाकी करेक्टर्स थे वो भी कोई ऐसा फील नहीं हो रहा था कि आप इन्वेस्टेड हैं उनमें। और इन सब करेक्टर्स में से सबसे जो बुरा करेक्टर था ना वो स्टीव ट्रेवर का करेक्टर था। वो उसको ओवर स्मार्ट बनाने की कोशिश किया है, वो हर दो मिनट के बाद जोक मार रहा है, अजीब सा उस करेक्टर को बनाया है और आपका ज़रा भी दिल नहीं करेगा उस करेक्टर को देखने का। आप चाहेंगे कि यार ये जल्दी से साइड पर हो, कोई और करेक्टर आए। इसके अलावा जो विलन थे उनमें एक सिल्वर स्वान का करेक्टर था, जो कि उन्होंने कोशिश की है कि उसको डेवलप करने की, आपको लगे कि आप इन्वेस्टेड हों लेकिन आप फिर भी इन्वेस्टेड नहीं होते उस करेक्टर में, आपको लगता है कि करेक्टर जाए भाड़ में। और बाकी जो विलन थे वो भी कोई इतने खास नहीं थे, बिल्कुल पॉइंटलेस से लग रहे थे। एक विलन था जो थोड़ा सा अच्छा था, जो कि था चीता का करेक्टर। उसकी जो और वंडर वुमन की फाइट थी ना वो थोड़ी सी अच्छी देखने वाली थी, और मैं इसलिए उसको गौर से देख रहा था क्योंकि वंडर वुमन की जो मूवी भी आनी है 84 वाली, उसमें भी हमें चीता ही जो है विलन दिखाई देगा। तो मैंने सोचा कि यार इसको थोड़ा सा गौर से देखे, और मज़ा भी आया उसको देख के। इसके अलावा इस मूवी में कोई इतनी ज़्यादा विलन की फाइट अच्छी नहीं थी। इसके अलावा जो स्टीव और डायना के दरमियान जो रोमांस था वो भी ऐसे फील हो रहा था कि फोर्स या धक्के से डाला गया है, ऐसा कोई लग नहीं रहा था कि उनके दरमियान कोई केमिस्ट्री बनी हुई है। यानी एक तो स्टोरी भी फारिग थी इसकी, उसके अलावा करेक्टर्स भी फारिग थे, उसके अलावा जो विलन्स थे वो भी फारिग थे, फाइट्स वो भी इतनी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं थी, और एनिमेशन की क्वालिटी भी इतनी अच्छी फील नहीं हुई। यानी कि जो नॉर्मल डीसी के मूवीज़ देखते हैं ना उस तरह की क्वालिटी फील नहीं हो रही, फील लग रहा था जैसे कोई एनिमेटेड शो की क्वालिटी है, तो एनिमेशन भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। ओवरऑल मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस मूवी को देखें, बहुत ही घटिया मूवी है, आप टाइम ना जाया करें इसके ऊपर। और मैं अगर अपनी रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस मूवी को रेट करूँगा 3/10। और अगर आपने वंडर वुमन की अच्छी मूवी देखनी है तो आप 2009 वाली जो इसकी ओरिजिन मूवी बनाई थी ना एनिमेटेड, वो आप ज़रूर देखें, वो बहुत ही कोई फिट मूवी है, आप लाजमी उसको देखें। बाकी अगर आप में से किसी ने ये मूवी देख ली है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि ये किसी को अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी को लगी है तो वो मुझे बताए ज़रूर, और ये भी बताया कि उसको क्या अच्छा लगा इस मूवी में। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।